आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये हमने इससे पहले भी हमने पूरा 6 महीने प्रोटेस्ट किया है, इसलिए कि हमारा जो पे है वो बहुत कम था। उसके बाद स्टेट वालों ने हमें बोला है कि आपके हम 500 बढ़ा देंगे। उस पर भी हम मुतमइन थे, क्या करेंगे कि जब 6 महीने उन्होंने माना नहीं, जब उन्होंने सिर्फ 500 को बोला है तो हमने वो उस पर भी लड़ाई किया है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने 1500 रुपये आंगनबाड़ी वर्कर को बढ़ाया है और 750 रुपये हेल्पर को बढ़ाया है। यहाँ स्टेट वालों ने 500 रुपये वर्कर को और 350 रुपये हेल्पर को बढ़ाया है। अब तमाशा ये है कि 6 महीने में उन्होंने हमें बोला अपना जो प्रोटेस्ट है वो खत्म कर दो। हमने उनके कहने पे, उनकी जुबान पे हमने अपना प्रोटेस्ट खत्म किया है। आज वो ऑर्डर निकाल रहे हैं कि हमारा जो तब उन्होंने वो 500 रुपये स्टेट ने नहीं दिए है, ऊपर से हमारे पेज से ही 600 रुपये उन्होंने काट दिए है। आप ही बताइए ये कौन सा इंसाफ है, किस मुल्क में ऐसा हो रहा है, किस स्टेट में ऐसा हो रहा है कि देने के बजाय वो ले रहे हैं वापस। ये कौन सी स्टेट है, हम जानना चाहते हैं। हमारा जो कमिश्नर है उनसे जानना चाहते हैं ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, जबकि कुछ प्रोजेक्टों में उन्होंने वो 500 रुपये दिए हैं। आज उन लड़कियों को बोल रहे हैं, आंगनबाड़ी वर्करों को बोल रहे हैं कि हमने आपको जो 500 रुपये निकाले हैं उनको 2-2 महीने की वो पे निकली है 500 रुपये के हिसाब से, मगर आज उनको बोल रहे हैं कि वो 500 रुपये आपको नए हिसाब से वो काट देंगे। डिमांड हमारी ये है, एक तो वो हमारे 500-600 रुपये उन्होंने काट दिए, वो जल्द गुजार करें आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को, और 1500 रुपये जो हमें नरेंद्र मोदी ने दिए है वो भी जल्द से जल्द गुजार करें, वरना ये सैलाब फिर से आएगा। अब आंगनबाड़ी वर्कर सोएगी नहीं, जगी हुई है और जागती रहेगी।